पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कर्नाटक में कांग्रेस, यूपी में माया अखिलेश जीते, भाजपा देश की राजनीति से बाहर हो। इससे पहले उन्होंने भाजपा के असंतुष्ट नेता यशवंत सिन्हा, शत्रुघ्न सिन्हा और अरुण शौरी से मुलाकात की। ममता बनर्जी लोकसभा चुनाव 2019 से पहले भाजपा कांग्रेस मुक्त मोर्चा तैयार करने के लिए दिल्ली में नेताओं से मिल रही हैं। इस बीच सपा नेता आजम खान ने कहा है कि जब ममता बनर्जी से मिलेंगे तो भाजपा के खिलाफ महागठबंधन पर बात करेंगे। इससे पहले मंगलवार को ममता ने एनसीपी नेता शरद पवार और शिवसेना नेता संजय राउत समेत 7 दलों के नेताओं से मुलाकात की। दरअसल ममता 12 दलों को साथ लाने की कोशिश में हैं, जिनके पास अभी 172 सांसद हैं। सोनिया से मुलाकात के बाद ममता ने कहा, हम चाहते हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस जीते, कांग्रेस वहां मजबूत है। हम चाहते हैं कि यूपी में अखिलेश और मायावती जीते और लालू जी बिहार में जीते। मैंने सोनिया गांधी से मुलाकात की, उनसे 2019 के चुनाव पर बात हुई। देश में लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी को देश की राजनीति से जाना चाहिए। बीजेपी जनता के लिए कोई काम नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि हमारी मुहिम में कांग्रेस भी हमारा साथ दे।